हेलो एवरीवन दिस इज इंद्र विक्रम वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं डिस्कशन इनफैक्ट एक डिबेट करने वाले हैं डिबेट अबाउट वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनल ट्रेडिशनलिज्म ठीक है traditional, और यू कैन से ट्रेडिशन सो द डिबेट इज बेसिकली अबाउट जापान इज इन डिलेमा एक दुविधा में है जापान नॉट एग्जैक्टली द डिलेमा आप कह सकते हैं कि ऑन द वन साइड जापान इज रेडी टू एम्ब्रेस द वेस्टर्नाइजेशन

वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशनलिज्म कैसे जापान में धीरे धीरे जो वेस्टर्नाइजेशन आ रहा था पश्चिमीकरण आ रहा था इस पश्चिमीकरण के साथ साथ में एक डिबेट शुरू हो रहा था एक डिस्कशन शुरू हो रहा था कि हम अपनी परंपराओं को अपने ट्रेडिशंस को कैसे इंटैक्ट करके रखें कैसे उसको आगे बढ़ाएं तो यही है कुल मिला वीडियो का एसेंस समझते हैं इसमें वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन को मेजी रिस्टोरेशन वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था मेजी रिस्टोरेशन का वो यही था कि अब हमें वेस्ट के मॉडल पे जापान को फॉर्म करना है रिफॉर्म करना है यानी जो पश्चिम कर रहा है सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जितने भी डेवलपमेंट वेस्ट में है ऑल दोज डेवलपमेंट्स शुड बी रिफ्लेक्टेड हियर इन जापान जापान में भी वही डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए हमें उनको यहां पे करना है हमें उनको लेके आना है यहां पे क्लियर तो हुआ भी यही मेजी रिस्टोरेशन हुआ तो मेजी रिस्टोरेशन में आपने देखा कि बड़े लेवल पर एम्पायर जो है या एम्पर जो है वो अपने एम्पायर को कॉन्सोलिडेट करना शुरू करेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा सारी चीजें होनी शुरू होंगी हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तब जाके पार्ला... अभी तो सिर्फ ओथ ऑफ कोर्ट आई शुरुआत में ऐसे नहीं कि तुरंत पार्लियामेंट्री सिस्टम बनेगा पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए भी बाकायदा बहस शुरू होगी पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए भी डिबेट्स होंगे डिस्कशन होंगे प्रोटेस्ट होंगे और तब जाके पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है ब्रिटेन में आएगा लेकिन इनिशियल लेवल पर ओथ ऑफ कोर्ट और मेजी जो है उसका टेक ओवर विद द हेल्प ऑफ दो सामुराय दोज हेल्प मेजी टू रिगेन द पावर उन साम के हेल्प से मेजी जो है काउंसिल चलाएगा वो एडवाइजर के तौर पर सर्व कर देते हैं तो आने वाली जो जनरेशन थी इन जनरेशन के सामने एक क्वेश्चन ये है कि जापानीज जो है जिस वेस्टर्नाइजेशन की तरफ़ जा रहे हैं इस वेस्टर्नाइजेशन को एम्ब्रेस करने के चक्कर में इस वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो करने के चक्कर में अपने ट्रेडिशन से कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें कहीं अपनी पुरानी परंपराओं से कहीं ना कहीं ना कहीं ना कहीं, कहीं जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर लें इनको ना भूलने लग जाए तो आने वाले जनरेशन्स जो है आने वाली जनरेशन के स्पेशली जो जापानीज इंटेलेक्चुअल्स हैं बुद्ध हैं इन इंटेलेक्चुअल्स ने अलग अलग व्यूज़ दिए कि आप वेस्टनाइजेशन तो करो बट ऑफ रिलेशंस यू एस्टेब्लिश विद विदीज वेस्टर्न कंट्रीज इन पश्चिमी देशों के साथ में आपको किस तरीके से संबंध रखने चाहिए क्लियर है, ताकि आप अपने इस मोटिव को भी फुलफिल कर सको लेकिन साथ साथ आपका ट्रेडिशन भी स्पॉइल ना हो तो इस पूरे वीडियो में हम डिस्कशन सिर्फ इस बात पे ही कर रहे हैं कि वो कौन कौन से ओपिनियन थे इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें छोटी मोटी डिस्कस कर रहे हैं लेकिन बेसिक एसेंस यही है कि वो इंटेलेक्चुअल्स uh, किस तरीके के ओपिनियंस दे दे रहे थे कि आने वाले समय में हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और किस तरीके से अपने रिलेशन्स को इन कंट्रीज़ के साथ में फ्रेम uh, करना चाहिए ताकि हमारा वेस्टर्नाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए और साथ साथ हमारा जो ट्रेडिशन है उसको भी हम आसानी से सेव करके रख सकें क्लियर है सो जापान वाज बेसिकली एस्पायरिंग जापान वाज बेसिकली एस्पायरिंग मतलब जापान की आकांक्षाएं इच्छाएं जो थी ठीक है वो क्या थी टू रिकंस्ट्रक्ट इट ठीक है अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करना है ऑन द लाइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आप देखेंगे जापानीज़ एम्पर जापानीज़ एम्पर हु इज कंसीडर्ड एज द डिसेंडेंट ऑफ सन गॉडस ठीक है सूर्य की जो देवी है मतलब सन गॉडस जैसे आप आपके इंडिया में सन इज़ नॉर्मली एट्रीब्यूटेड टू मीन्स दिस सन द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू मैस्कुलिन कैरेक्टर मतलब एक uh, पुरुष को एट्रीब्यूट किया जाता है सूर्य देवता कहे जाते हैं है ना सूर्य देवी नहीं कह जाती बट इन जापान जापान में सूर्य देवी हैं सूरज की देवी या सूर्य देवी जो भी कह लें आप सन गॉडेस से ही एम्पर जो है जापान का जो सम्राट है तो पहला सम्राट जिसकी आप बात करें तो जापान के सम्राट की जो वंश परंपरा आती है वो सूर्य से आती है नोशन ये मान्यता है वहां पे। तो सम्राट जो कि अभी कुछ सालों पहले तक एक डिवाइन फिगर था और ऐसा डिवाइन फिगर कि नॉर्मल आदमी उसको कभी देख ही नहीं पाएगा अचानक से बिकॉज ऑफ अचानक से का मतलब ऐसा नहीं कि रात को सोया और सुबह सुबह उठेगा तो दिमाग खराब हो गया उसका और उसने वेस्टर्न ड्रेस पहन ली ऐसा नहीं था मौसम ऐसा हो गया परिस्थितियाँ ऐसी हो गई बैकग्राउंड ऐसा बन गया इतना बड़ा खतरा आपके दरवाजे पर आ गया कि आपको अब वेस्टर्न ड्रेस पहननी पड़ी तो अगर एम्प्रयर अपने आप को वेस्टर्नाइज कर रहा है एम्प्रयर पूरी तरह से यूरोपियन अटायर पहन रहा है यूरोपियन ड्रेस जो है वो पहन रहा है तो उस यूरोपियन ड्रेस के पहनने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या था जस्ट टू एम्ब्रेस दैट चेंज अपने अपने आप से वो परिवर्तन शुरू करना अपने आप को उस चेंज का हिस्सा बनाना जो चेंज आगे जाके जापान में रिफ्लेक्ट होने वाला है या जो जापान की सोसाइटी पूरी तरीके से उसी में जिस रंग में रंगने वाली है जिस चेंज में आने वाली है क्लियर सो जपान वॉज बेसिकली एस्पायरिंग टू बिकम लाइक द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और यू कैन से नॉट एक्जैक्टली लाइक टू बिकम बट ये दे वॉन्टेड टू रिकन्स्ट्रक्ट देअर सोसाइटी ऑन द लाइन्स ऑफ एस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी यानी कि जापानी समाज में भी सम्राट यही चाह रहा था कि यहाँ का समाज भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आधुनिक समाज की तरह हो जाए पश्चिमीकरण का मतलब ये है कि पश्चिम यूरोप बेसिकली अब पश्चिम यूरोप ही तो डोमिनेटेड है पूरे दुनिया में है ना ये पूरा आपने इलेवेंथ हिस्ट्री का जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा है इसमें शुरू के दो तीन चैप्टर हटा दो तो उसके बाद से पश्चिम का यूरोप जो है आपका डोमिनेट होना शुरू हो गया तमाम दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर और उसी के जो आइडियोलॉजी है वो कॉलोनाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एम्पेरियलिज्म यही दुनिया भर में छा रही है आज के ज़माने में आज के ज़माने का मतलब जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं इस समय है ना पूरी दुनिया का कॉलोनाइजेशन कर रही है तो वेस्टर्न यूरोप की जो फिलोसफी है जो आइडियोलॉजी है जिस हिसाब से उसने अपने आप को ढाला है वही जापान भी चाह रहा था कि ठीक इसी तरीके से जापान का भी रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए ठीक इसी तरीके से जापान का भी समाज जो होना चाहिए वो आधुनिक होना चाहिए क्लियर है परिधान में यानी कि हम अटायर में क्लॉथ्स के फॉर्म में वेस्टर्नाइज दिखें हम लैंग्वेज इंग्लिश सीखें क्योंकि इंग्लिश बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज की लैंग्वेज है और वेस्टर्न कंट्रीज दे आर द सिंबल ऑफ द सिविलाइज्ड Uh, people or you can say they are the symbol of civilization they are the symbol of modernization they are the symbol of industrialization तमाम बड़े भारी भरकम शब्द जो है वो जुड़े हुए हैं यानी पश्चिम के लोग जो हैं ये यूरोप के जो लोग हैं वास्तविकता में यही आधुनिकीकरण के केंद्र हैं यही आधुनिकीकरण के प्रतीक हैं यही औद्योगिकीकरण के प्रतीक हैं यही सभ्य होने के प्रतीक हैं है ना ये ऐसा यूरोप का पूरा ये फैलाया हुआ मायाजाल है यूरोप का फैला हुआ भ्रम है जिसको अब आज ये लोग जीना चाह रहे हैं भारत में भी यही जीना शुरू करेंगे लोग इसी तरीके से और आज के समय में भी अब आपको पता ही है कि बहुत कुछ मॉडर्नाइजेशन जो है वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ही जा रहा है कभी भी आपने कहा क्या कि भारत की जो पुरानी परंपरा यानी धोती कुर्ता पहनना मॉडर्नाइजेशन है नहीं आपने यही कहा कि भाई नए नय से नया जो वेस्टर्न ड्रेस है यही पहनना मॉडर्नाइजेशन है क्लियर है क्योंकि आपके दिमाग में वेस्ट की ही डेफिनेशन है यही रीजन है आप कभी नहीं कहोगे कि धोती कुर्ता पहनना इज लाइक अ बीइंग अ मॉडर्नाइज पर्सन आप कभी नहीं कहोगे रीडिंग राइटिंग संस्कृत लैंग्वेज इज द सिंबल ऑफ मॉडर्नाइजेशन आप ये नहीं कहोगे वाई बिकॉज मॉडर्नाइजेशन दिस वर्ड एक्चुअली केम फ्रॉम द वेस्ट पश्चिम से तो पश्चिम की चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए अब उन्होंने तो सब कुछ थोप दिया आपके ऊपर बाकी लोगों को करेज चाहिए ना <coughs> तो वो खैर छोड़ो अलग डिबेट है यहाँ की डिबेट में आते हैं हम यहाँ पर जो वेस्टर्न जो जापानीज इंटेलेक्चुअल्स हैं ठीक है जापानी बुद्ध जीवी हैं तो इन जापानीज बुद्धजीवी जो लोग हैं जापानीज इंटेलेक्चुअल्स हैं इनके सामने अब यही बात थी कि भाई इस वेस्टर्नाइजेशन के दौरान हम अपने ट्रेडिशन को कैसे सेव करके रखें तो हम किस तरह का रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करें है ना तो एक आपके स्कॉलर है ऑथर है उस जमाने में बड़े पब्लिशर थे जिनका नाम है फुकुजावा युकिची सो युकिची मिस्टर यूकिची जो है ये एक बहुत बड़े मेजी इंटेलेक्चुअल है मतलब मेजी के ज़माने के जो मेजी रिस्टोरेशन हुआ था इस ज़माने के एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं ठीक है थीके? और इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी अच्छे स्कॉलर भी हैं ठीक है थीके? इन्होंने अपना आइडिया एक्सप्रेस किया आइडिया क्या एक्सप्रेस किया ही एक्सप्रेस बाय सेइंग दैट जापान मस्ट एक्सपोर्ट एक्सपेल होना चाहिए यहाँ पे ई एल एक्सपेल एशिया ठीक है यानी जापान को अपनी एशियन आइडेंटिटी जो है वो पूरी तरीके से शेड कर देनी चाहिए देखो क्या होता है ये समझो एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं होता है ना कि मान लो अब हुआ ये कि आप अपने आप एक बहुत हम्बल फैमिली को बिलोंग करते हैं हम्बुल फैमिली मीन्स आप एक बहुत मान लीजिए लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से फिर क्या हुआ कि आपकी पढ़ाई लिखाई हुई आपने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद फिर आपकी बहुत बड़ी नौकरी लग गई ठीक है आप एक मल्टी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों में सीईओ बन गए ठीक है अब क्या हुआ अब इतना बड़ा जब डेवलपमेंट हुआ आपके पास खूब सारे पैसे आ गए ठीक है तो उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से आपके वो कुछ पुराने दोस्त या फिर मान लीजिए आपके आसपास रहने वाले कुछ पहचान वाले कुछ ऐसे रिश्तेदार या कुछ ऐसे लोग जो आपको उस समय से जानते थे या फिर अभी भी वो उसी लेवल पर हैं ठीक है वो एक बहुत लोवर मिडिल क्लास के लेवल पर हैं उनकी इकोनॉमी वैसे ही है और किसी तरह से तमाम वो अभी अपने उसी स्टेटस को मेंटेन किए हुए हैं अब वो अचानक से मिल जाते हैं और आप एक बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ में हो अब वो कहते हैं अरे भाई कहाँ हो वो इस तरीके से बात करते हैं वो आपको मतलब अब आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है आपसे वो वो आपको बुला रहा है अरे भाई कहाँ थे इतने दिन तो, सुना तुम तो, तो इतने बड़े व्यक्ति बन गए ये वो अचानक से इस बातचीत के दौरान क्या होगा आपको थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स फील होना शुरू हो जाएगा यार मैं इतने बड़े इंटरनेशनल डेलीगेशन के साथ में खड़ा हुआ हूँ या डिस्कशन चल रहा है कहाँ से लोग आ गए और ये क्या मतलब क्या मेरी इमेज बनेगी समझ रहे हो ना सो अब हो सकता है आप क्या करना शुरू कर दोगे आप ऐसा कुछ करना शुरू कर दोगे कि आप यू अरे कौन है आप लोग हम नहीं पहचानते आपको कि नहीं हटाओ गार्ड इनको हटाओ वाई बिकॉज नाउ यू आर अ काइंड ऑफ वेल सिविलाइज पर्सन रेनोन पर्सन है ना इंटेलेक्चुअल पर्सन कहा आपका इनके साथ में तो आपने अपनी वो आइडेंटिटी शेड कर दी है इनके साथ वाली कि मतलब मेरा आपकी आइडेंटिटी एक ऑब्वियस ही बात है बड़े लेवल पर चली गई लेकिन उस समय भी आप अपनी उस आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं कि मैं उन लोगों में से आया हूं या फिर ये लोग मुझसे रिलेटेड हैं एटलीस्ट उस रिलेशन की आइडेंटिटी को भी आप उस समय एक्नोलेज नहीं करना चाहते हैं यही चीज़ हो रही थी अब जापान बड़े लेवल पर क्या हो रहा था मॉडर्नाइज हो रहा था वेस्टर्नाइज हो रहा था लेकिन इसी समय आपके एशिया में ईस्ट एशिया में जो देश हैं ठीक है ईस्ट एशिया में तो बेचारा चाइना ताइवान ता, ताइवान सॉरी तो अभी ऐसे ही है ठीक है चाइना कोरिया अब ये देश हैं छोटे छोटे मतलब चाइना जैसा बड़ा देश है लेकिन फिर भी बेचारा कॉलोनाइज तो है ही सही कोरिया जैसे देश हैं है तो इन देशों ईस्ट एशियन कंट्री फिर एशिया में और आ जाओ कि आप इंडिया जैसे देश मिल गए आपको तो ये सारे के सारे कॉलोनाइज देश हैं, बड़े 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 बाउंड्री वाले कॉलोनाइज हैं अब कॉलोनाइज होने का मतलब ही दूसरा क्या हो गया कि आप बैकडेटेड थे आप सिविलाइज नहीं थे आप मॉडर्न कल्चर में ढल नहीं पाए प्रॉपर तरीके से मतलब कुल मिलाकर आपके अंदर बहुत सारी कमियां निकल रही हैं अगर आप कॉलोनाइज हैं तो आपकी सभ्य होने की ट्रेनिंग चल रही है अगर आप कॉलोनाइज इसका मतलब आपके सिविलाइज होने की आपकी सभ्य होने की ट्रेनिंग चल रही है तो अभी जापान में ये फोकोसावा यूकी क्या कह रहे हैं यार आप अपनी एशियन आइडेंटिटी को शेड करो कम ऑन शेड योर आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी को हटा दो रिमूव अपनी उस आइडेंटिटी को रिमूव कर दो हटा दो कौन सी एशियन आइडेंटिटी को एंड यू जस्ट ज्वाइन द यूरोप आप यूरोप बन जाओ आप पश्चिम बन जाओ मतलब आप अपने आप को भी पश्चिमी देशों में गिनने लग जाओ कि भाई वी आ, आ, वी आर ऑल्सो एमंग द यूरोपियन नेशन वो वाली आइडेंटिटी आप यहां पे एंजॉय करना शुरू कर दो समझ रहे हो आप यहाँ पे तो ये एक थोड़ा सा एक इस तरीके से समझ रहे इंटेलेक्चुअल लेवल पर ये परिवर्तन हो गए कि वो अपने आप को उस जगह का ही नहीं मान रहे हैं जिस जगह को बिलोंग करते थे बेसिकली उनका यह कहना है कि यार हमारी एशियन आइडेंटिटी इसका मतलब ये है क्योंकि एशिया में इस समय बड़े बड़े दुरंदर जो हैं दे ऑल आर कॉलोनाइज एशिया का मतलब ये ऐसे लोगों का एरिया जो भाई ना पढ़ने लिखने में ना पहनने वगैरह में ना उद्योग धंधों में ना बिजनेसिस में किसी मामले में यूरोप से आगे है नहीं हम जब वही कल्चर वही ट्रेडिशन और वही सारी चीजों को हम आगे अपना चुके हैं अपने अंदर कॉलोनाइज भी नहीं हुए क्योंकि हम दिमाग लगा लिया है तो हम क्यों उनमें से अपने आप को गिने ठीक है सो ओपिनियन इसके अलावा <coughs> कुछ और इंटेलेक्चुअल्स हैं ठीक है सतसुराई सो so, इनका क्या कहना है दैट ईच नेशन मस्ट डेवलप इट्स स्पेशल टैलेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन ठीक है अब ये थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा प्रोग्रेसिव सोच रहे हैं है ना यूकी की तरह नहीं जा रहे हैं यूकी तो साफ साफ ये कह दे रहे हैं कि भाई ऐसा है आप अपनी एशियन आइडेंटिटी को शट करो खत्म करो और आप यूरोपियन आइडेंटिटी को एम्ब्रेस कर लो लेकिन इनका कहना क्या है का इनका कहना है कि देखो ऐसा है कि हमें अपनी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए इस समय हर एक नेशन को अपनी एक आइडेंटिटी अपने स्पेशल टैलेंट्स डेवलप करने चाहिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिविलाइजेशन यानी कि विश्व की जो सभ्यता है आपको अपना एक प्लेस फाइंड आउट करना होगा आपको एक अपनी एक जगह बनानी होगी इस दुनिया में इस मॉडर्नाइज वर्ल्ड में आपको अपना एक प्लेस फाइंड आउट करना होगा क्लियर है तो आप क्या कर सकते हैं? यह भी कोई बहुत अच्छी प्रोग्रेसिव चीज नहीं है लेकिन फिर भी इनका यह कहना था कि देखो ऐसा है कि आप भले अपनी यूरोपियन आइडेंटिटी इंप्रेस ना करो भले अपनी एशियन आइडेंटिटी को शेड ना करो लेकिन आप एक काम कर सकते हो आप यह कर सकते हो कि अपना अपना एक एक अलग ही स्थान इस 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 विश्व में इस समय समय जो पॉलिटिक्स चल रही है इस समय अपना एक नया आ, प्लेस बनाने के लिए स्थान बनाने के लिए आप क्या करो अपनी आइडियोलॉजी को प्रचार करना शुरू करोगे यानी आप भी कॉलोनाइजेशन की तरफ चले जाओ ठीक है आप भी कॉलोनाइजेशन वाली जो आइडेंटिटी है उस तरफ चलने शुरू चलने शुरू हो जाओ क्लियर है टू डेवलप वन सेल्फ टू वन कंट्री इज टू इज टू डेवलप और डिवोट टू द वर्ल्ड एक ही बात हो गई ठीक है यानी अगर आप व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को डेवलप करते हैं अपने आप को डेवलप करना ही वर्ल्ड के डेवलपमेंट वर्ल्ड के एक, एक, एक प्रोग्रेसिव कॉन्ट्रीब्यूशन में अपना एक, 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 एक योगदान है आप कह सकते हो ठीक है मीन्स अगर आप एक पॉलिटिकल लेवल पर अपना डेवलपमेंट कर रहे हो दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट दुनिया के या संसार के विकास में भी वो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये एक आइडिया जो है वो निकल के आया तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि अलग अलग इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो जापान के इस डेवलपमेंट में या आप कह सकते हैं कि जापान की इस नई बनने वाली आइडेंटिटी में अपने अलग अलग ओपिनियंस दे रहे हैं ठीक है मेरे इंटेलेक्चुअल्स अट्रैक्टेड टू वेस्टर्न लिबरेशन बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग वहां पर जापान में ऐसे हैं जो इस नए पश्चिमीकरण के कॉन्सेप्ट को इस नए वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को जापान में पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करने की बात करेंगे उनका कहना है कि अगर हम अपने आप को वेस्टर्नाइज कर ही रहे हैं देन वाई वी आर नॉट एम्ब्रेसिंग दोज आइडियाज लाइक लिबरेशन लाइक फ्रीडम लाइक लिबर्टी लाइक इक्वलिटी जो कि यूरोप में पहले से बहुत अच्छे से प्रिवेलेंट हैं और बहुत सारे वहां पे जो सोशल रिफॉर्मर्स हैं बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इन्होंने इन आइडियाज को डेवलप किया है एंड यूरोपियन गवर्नमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दोज थिंग्स एक्चुअली ठीक है यूरोप की गवर्नमेंट उन चीजों को इंप्लीमेंट भी कर रही है ग्रेजुअली आप देख रहे हो फ्रांस में अमेरिका में बड़े लेवल पर चेंजेस भी हुए तो उन फ्रेंच कॉन्सेप्ट को लिबर्टी इक्वलिटी के फ्रेंच कॉन्सेप्ट को ये इंटेलेक्चुअल चाहते थे कि यहां पे इंप्लीमेंट किया जा सके ध्यान रखना ठीक है सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स वर अट्रैक्टेड ये लोग इन्हीं वेस्टर्न आइडियाज को लिबरेशन वाले आइडियाज को जापान में भी चाह रहे थे कि इंप्लीमेंट <coughs> होना चाहिए क्लियर है और जापान एक मिलिट्री कंट्री मिलिट्री डोमिनेटेड कंट्री से डेमोक्रेसी डोमिनेटेड कंट्री की तरफ आ जाए क्यों क्योंकि आपने देख लिया कि इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जिसमें हमने एग्रेसिव नेशनलिज्म की बात की थी सो so, एग्रेसिव नेशनलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही था इन्होंने ये कहा कि देखो ऐसा है कि जापान अगर आजाद है कॉलोनाइज नहीं हो पाया है तो वो इसीलिए है कि भाई पश्चिम के लोग थोड़ा मर्सीफुल है मर्सीफुल भी इसीलिए है क्योंकि हमारी जो आर्मी हमारी जो मिलिट्री है हम इसको अच्छा खासा स्ट्रांग करके रख रहे हैं तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोशल डेवलपमेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट सारा कुछ हमारे मिलिट्री की स्ट्रेंथ को मैनिफोल्ड करने में हेल्प करने वाला होना चाहिए यानी आप लोगों को इस मिलिट्री की स्ट्रेंथनिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए बेसिकली क्लियर है सो so, इनका ये कहना था अब ये एग्रेसिव नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था लेकिन जो लिबरल्स थे जो इंटेलेक्चुअल्स थे जापान में वो उनका कहना ये था कि नहीं आप मिलिट्री सिस्टम को थोड़ा सा डाइल्यूट करो और जापान में डेमोक्रेसी को ज्यादा एस्टेब्लिश करो क्लियर है एक वहां पे एमोरी करके लीडर हैं जो वहां पे राइटिस्ट विंग के जो मूवमेंट्स हुए थे जापान में जो पब्लिक ओपिनियंस या मैं कहूँ कि पब्लिक राइट्स की या सिविलियंस के राइट्स की बात कर रहे थे इन्होंने बड़े लेवल पर वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की डिमांडिंग करी कि जापान में भी क्या होना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ यूरोपियन मॉडल कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट स्टेब्लिश होनी चाहिए क्लियर और आगे जाके ऐसा होगा भी ध्यान रखना जापान में डाइट बनेगी ठीक है जापान में डाइट जो अभी जस्ट अग्रेसिव नेशनलिज्म में भी हमने इस बात की चर्चा की थी कि ये शब्द जो है वो बेसिकली जर्मनी से आया है जर्मन वर्ड से आया है क्योंकि यहाँ पर यहाँ के पॉलिटिकल आइडियाज में बहुत कुछ इन्फ्लुएंस था जर्मन का सो so, आप देखोगे यहाँ पर पार्लियामेंट इस्टेब्लिश हुई दैट पार्लियामेंट वॉज नोन एज डाइट सो जापानीज़ पार्लियामेंट वॉज स्टैब्लिश जापान का कॉन्स्टिट्यूशन बना आप देखोगे इसी दबाव के चलते वहां पर मेजी गवर्नमेंट ने आगे बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में क्या हुआ कि एम्प्र तो रहेगा ही बट पार्लियामेंट विल बी देयर ठीक है एक बकायदा संसद का निर्माण होगा पार्लियामेंट विल बी देयर ठीक है और एक काउंसिल होगी प्रीवी काउंसिल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बनेगा प्रीवी काउंसिल रहेगी जिस जो एम्प्र को हेल्प करेगी रूल करने के लिए क्लियर सो अपरेंटली यहां पर वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया जो यूरोप में चल रहा था लेकिन यह बहुत रेस्ट्रिक्टेड था देर वॉज अ रेस्ट्रिक्टेड फ्रेंचाइज वोटिंग लेवल जो है वो लगभग हार्डली पांच परसेंट रहा होगा उस समय जापान में वोटिंग जो दिया गया लोगों को वोटिंग राइट्स जो शेयर किए गए लोगों के साथ हार्डली इट वाज फाइव परसेंट इसके आसपास ही रहा होगा इससे ज्यादा नहीं रहा होगा क्लियर है मीन अपेरेंटली द मेजी गवर्नमेंट और आप कह सकते हैं द एम्पर मेजी वो सारी चीजों को ही स्टेब्लिश्ड ही इंप्लीमेंटेड ऑल दोज वेस्टर्न पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो बाकी जगहों पर चल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी इसका मतलब ये है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा पार्लियामेंट्री सिस्टम आ रहा है तो मिलिट्री की स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी वो आपने पिछले बड़ी वीडियो में देख ही लिया है एग्रेसिव नेशनलिज्म में तो वास्तविकता में एग्रेसिव नेशनलिज्म और वेस्टर्नाइजेशन एंड ट्रेडिशन ये दोनों साथ साथ चीज़ें ही चल रही हैं यहाँ पे ठीक है उसी बहस के दौरान रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं तो इस वेस्टर्नाइजेशन में उनके ट्रेडिशन को वो साथ साथ लेके चल रहे हैं आगे बढ़ें तो आगे आप देखोगे कि इस वेस्टर्नाइजेशन का जापान के निजी जीवन में या डेली लाइफ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा डेली लाइफ में एक ऐसा बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा जैसे जैसे जापान में वेस्टर्न आइडियाज फ्लॉरिश होते चले गए जैसे जैसे जापान में बड़े लेवल पर पश्चिमीकरण होता चला गया ठीक है जापान उसी तरह के समाज में ट्रांसफॉर्म हो रहा था जैसा पश्चिम का समाज था और पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी पुराना पारंपरिक जीवन जो था जापानी सोसाइटी का वो अब आधुनिक समाज में तब्दील हो रहा था पुराने Uh, आप देखेंगे जापान के पारंपरिक समाज में तो वहां पर देखेंगे कि बहुत बड़े परिवार हुआ करते थे हालांकि सम, समाज जो था उसमें फादर की वैल्यू ज्यादा थी पैट्रियार्कियल सोसाइटी थी पैट्री वर्ड डिनोट्स टू फादर वर्ड पैट्री डोनो टू फादर सो फैमिली वॉज पैटरीड ऑफ द फैमली वॉज फादर ऑलवेज लेकिन फैमिलीज जो होती थी वो लार्ज फैमिलीज हुआ करती थी बड़े परिवार हुआ करते थे ध्यान रखिएगा क्लियर है और यह पूरा सिस्टम जनरेशन से चला आ रहा था लेकिन अब इंडस्ट्रलाइजेशन हो रहा है और उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं जिससे उनकी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं ठीक है डेली लाइफ में बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे हैं भाई अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होंगे अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट होंगे तो वो पुराने विलेज कल्चर से बहुत कुछ अलग जीवन जिएंगे यहां पर इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट अलग है अर्बन एरियाज़ की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं तो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी रोज रोज़मर्रा का जो जीवन था उसमें बड़े लेवल पर चेंजेस आ रहे थे बड़े लेवल पर परिवर्तन आ रहे थे क्लियर है और जो पुराना पैट्रियार्कियल सिस्टम था जिसमें लोग एक बड़े परिवार में रहते थे काफ़ी पीढ़ियों से जनरेशन से बड़े परिवारों में रहते थे वो ब्रेक होने लगा अर्बन एरियाज में यही लोग जब शिफ्ट होते थे तो छोटे परिवारों में तब्दील हो जाते थे जहां पर वाइफ हस्बैंड और उनके बेटे यानी कि एक न्यूक्लियर फैमिली होती थी दो तीन चार लोगों की फैमिली होती थी ठीक है एक ही जनरेशन अपने आप में बड़े मुश्किल से आ, सर्व करती थी या सर्वाइव करती थी वहां पे आप कह सकते हैं क्लियर है तो इस तरीके से ये जो परिवार है ये न्यूक्लियर फैमिली इसमें ब्रेक होना शुरू हो जाएगा न्यूक्लियर फैमिली का मतलब है छोटे परिवारों में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे ये न्यूक्लियर फैमिलीज अर्बन एरियाज में एडजस्ट हो रही हैं वैसे वैसे वो उन सारी सुख सुविधाओं को वो सारी एम्यूनिटीज जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती थी जो वेस्टर्न कंट्रीज के लोग अम्यूजमेंट के तौर पर रिक्वायरमेंट के तौर पर नीड के तौर पर इस्तेमाल करते थे उनकी जरूरतें आएंगी यहां पे। इसके साथ साथ वो सब कुछ अब चूंकि बड़े लेवल पर अर्बनाइजेशन चल रहा है ना तो वो सारा अर्बनाइज कल्चर जो यूरोप में है वही जापानीज भी यहां पर प्रोवाइड करना शुरू करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों की डिमांड्स बढ़नी शुरू हो जाएगी जो इस नई जीवन शैली को सपोर्ट करने वाला होगा क्लियर है जैसे नए डोमेस्टिक गुड्स भाई आधुनिक तरीके के टेबल्स जो वेस्टर्न स्टाइल में बने हुए हों है ना आ, मेज और कुर्सी में बैठ खाना आधुनिक तरीके की चेयर आधुनिक तरीके के कपड़े So, पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल में डेली रूटीन का जितना भी आपका सामान इस्तेमाल होता था वो सारा कुछ भी डोमेस्टिक गुड्स भी जो है वो वेस्टर्न तरीके का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा क्लियर है हाउसिंग वगैरह की डिमांड बढ़ेगी और आप देखोगे कि इस समय ठीक है इस समय कंस्ट्रक्शन कंपनी 1920 के आसपास यहां पर कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है उनकी मशरूमिंग होगी बड़े लेवल पर भवन निर्माण कंपनियां कंस्ट्रक्शन कंपनीज जो होंगी वो हाउसिंग को बहुत सस्ता कर देंगी दे मेड हाउसिंग चीप एंड इट इट वॉज अवेलेबल टू एवरी वन लगभग लगभग हर किसी को उपलब्ध कराए जाने की एश्योरिटी देने लगे कि भाई हाउसिंग सबको मिलनी चाहिए क्योंकि अर्बन एरिया में रहना इज लाइक like, अर्बन एरिया सिंपली मीन्स लाइक यू आर इन अविलाइज वे ठीक है अर्बन ग्रोथ का मतलब हो गया कि हम वी आर मोर क्लोज टू या वी आर लाइक एग्जैक्टली द वेस्टर्नाइज कंट्रीज क्लियर है तो आप देखोगे उस समय लगभग टू हंड्रेड यून के डाउन पेमेंट पर आपको आसानी से घर मिल जाते थे 200 डाउन पेमेंट करिए 200 येन डाउन पेमेंट करिए और इसके बाद आप घर ले लीजिए जिसमें लगभग 12 येन 13 येन के आसपास आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देनी होती थी ये 10 साल के लिए जो है पूरी इंस्टॉलमेंट बनाई जाती थी यानी आप 10 इयर्स के लिए लोन ले ली लीजिए ठीक है इन टेन ईयर्स के लगभग ट्वेल्व एन के आसपास कुछ ऐसा क्राइटेरिया होता था जिसको आपको एज अ इंस्टॉलमेंट आपको मंथली देना होता था और इस मंथली इंस्टॉलमेंट से आप एक समय बाद अपना घर पूरा फ्री करा सकते हैं ये ये उन लोगों के लिए भी था जो बहुत ही अच्छे एक आप कह सकते हैं कि अच्छे क्लास वाली जॉब में हुआ करते थे एलिड क्लास वाली जॉब में हुआ करते थे या मैं कह दूं कि मतलब एक <coughs> सम्मानजनक वाली जॉब जैसे बैंकिंग वगैरह की जो जॉब होती थी जिसमें लगभग कहते थे ना उस समय एक अच्छी खासे चालीस यन के आसपास उस समय जो सैलरी होती थी कुल मिला ठीक है उन लोगों के लिए इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो मिलती रहती थी सो

वहाँ पे जाएंगे सर्च करेंगे डब्ल्यू डब्लू डब्लू डॉट्रेड प्लेस डॉट कॉम आपको इस तरीके का एक पेज देखने को मिलेगा इस तरीके का एक स्क्रीन में आपके विंडो आ रहा होगा जिसको आप देखोगे नीचे सारी क्लासेस यहाँ पे हैं प्रॉपर इसी में से जैसे ही आप क्लिक करोगे चूँकि हम यहाँ क्लास इलेवंथ की बात कर रहे हैं सो यू जस्ट क्लिक ऑन द क्लास इलेवंथ एंड यू विल सी दैट लिस्ट ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स ठीक है अलॉन्ग विद देयर सब्जेक्ट तो आप स्क्रॉल करोगे ऐसे ही क्लास इलेवंथ हिस्ट्री दिख जाएगा आपको है ना कुछ इस तरीके से वहाँ पे क्लास अलेवेंथ हिस्ट्री दिख जाएगा यू जस्ट क्लिक ऑन दैट टैब आप देखोगे तो फिर इस तरीके से क्लिक uh, करने पर आपको एक विंडो देखने को मिलेगी जिसमें चैप्टर वाइज वीडियोज आर प्रॉपर्ली अरेंज इन दिस विंडो इन दिस स्क्रीन यू विल फाइंड आउट दैट ऑल द वीडियोज आर प्रॉपरली अरेंज चैप्टर वाइज लाइक सिलेबस ओवर व्यू सेक्शन मीन्स सेक्शन वाइज थीम वाइज टॉपिक वाइज सब टॉपिक वाइज ऑल द वीडियोज आर प्रॉपरली अरेंज एंड वॉट एवर वीडियो जस्ट यू वॉन्ट टू वॉच जस्ट क्लिक ऑन इट आप जैसे ही क्लिक करोगे वीडियो विल स्टार्ट प्लेंग लाइक दिस इस तरीके से वो वीडियो जो है वो प्ले होना शुरू हो जाएगा सो दिस इज अवर एफर्ट ये हमारा एक एफर्ट है सो दैट वी कैन सेव योर रिसोर्सिस वी कैन सेव योर एफर्ट हम आपके एफर्ट्स को बचाएं वो एफर्ट्स जो आपके टाइम को वेस्ट करते हैं आपके रिसोर्सेज को ड्रेन करते हैं आप यहां वहां पर कई जगहों पर बहुत सारा क्वालिटी मटेरियल सर्च कर रहे होते हैं सो यूजर्स कम टू दिस प्लेटफॉर्म मैगनेट ब्रीन्स दैट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर रिक्वायरमेंट्स आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है जहां पर आपको सारे क्वालिटी कंटेंट्स मिल जाते हैं ईजली नाउ वॉट यू हैव टू डू फ्रॉम योर साइड यू हैव टू लाइक द वीडियोज यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू शेयर द वीडियोज जितना ज़्यादा पॉसिबल हो मैक्मम पॉसिबल शेयर कीजिए आपके अपने दोस्तों के साथ में जिनको ऐसे ही कंटेंट्स की रिक्वायरमेंट है और साथ साथ Stay tuned with Magdal Brains. Thank you.